रेड कलर की सुबोरी है, रेड कलर की मस्जिद भी है। मैंने ये सारे सूट लिए हैं मम्मी, बैठाऊ कोई तो मम्मी आर दिखाओ जाके मैं लेर कहीं आई जो पीर सू। अच्छा जो पीर जब पहले दिखा दे जे। सुंदर है ना, कितना सुंदर है, सारे सूट है। और ये मम्मी आपके लिए लेके आई हूँ, ये वाला सूट, ये सारे लाख के। एक तो ये लाई थी मम्मी गुलाबी रंग का लाख का है ना, एक ये ऐसा है ब्लू और ये ठीक है। खमा गणिसा, वेलकम बैक टू टुडेस व्लॉग। तो आज मैंने सावन का पहला लहरिया पहन लिया, मतलब नया लहरिया। पिछली बार जो पहना था ना भी एक दो दिन पहले, वो मेरा पुराना था पिछले साल का, तो ये वाला सूट पहना बहुत प्यारा लग रहा है। पूरा लुक आप लोगों ने भी देखा ही होगा। और मेरे को क्या थोड़ा सा शूट भी कर, जब भी नई ड्रेस पहनते तो वो सबका होता है कि थोड़ी सी फोटोज रील्स करा ले, तो इसलिए मैंने ये पहना थोड़ी देर के लिए, गले का फिर उतार दूंगी है ना, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मार्केट। मैंने आपको ना लास्ट से लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं मेरे पीहर जा रही हूँ दो दिन बाद। अब तो उसके लिए मेरे को ड्रेसेस लेनी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा पहले एडवांस में मंगवा लेते हैं, क्योंकि वहाँ मुझे पसंद नहीं आते, वहाँ के बेस तो पैसे देते हैं कि पहले तू लेके आ जाना अपना जो दाइजा लेके जाएगी। तो वही मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, और मम्मी के लिए और मेरे काकी वगैरह के लिए भी सूट लेने हैं, क्योंकि उस दिन जब रिद्धि रुद्र के कान बिंदवाने गए थे ना, तब मुझे टाइम नहीं मिला था इतना। और मैं चूड़े तो ले आई थी उस दिन, इसमें से एक चूड़ा मैंने पहना है ऐसे, मतलब मन कर गया जैसे तरह नहीं। उन्होंने कहा मम्मी कह रहे थे कि तू अब पहले की तरह से चूड़ा नहीं पहनती, तो मैंने ऐसे पहन लिया। तो बस अब चलते हैं, पहले थोड़ा सा शूट करेंगे पार्क में, उसके बाद चलेंगे शॉपिंग करने है ना, तब ये सब उतार दूंगी, अच्छा नहीं लगता मार्केट में। चले, ये है मेरी पूरी ड्रेस है ना, अच्छी लग रही है ना लहरिए की। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि फिर आते टाइम ना रिद्धि भूखी हो जाएगी, खाने का टाइम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने घर के बाहर ही थोड़ा सा शूट कर लिया है ना, और ये भी निकाल दूंगी, तो पार्क वार्क में नहीं जा रहे हैं, चलो मार्केट में बताना। और ये वाली जो ड्रेस है ना, ये मैंने ली थी आस्था परिधान से, इनकी झोटवाड़ा में शॉप है। तो ना इनसे मैंने और भी पहले बहुत बार मतलब ड्रेसेस ली हैं, जैसे मन्नानी वगैरह में शादी में गए थे ना, तब भी आपने देखा था कॉटन की, और एक बार प्योर की भी ली थी, तो अच्छा रहता है इनका कलेक्शन, बहुत प्यारा कलेक्शन। और मतलब कपड़ा मेन मेरा मेन कंसर्न रहता है, एक तो डिज़ाइन अच्छा हो और एक कपड़ा बहुत अच्छा हो, तो दोनों चीज़ें अच्छी होती हैं, बट मुझे आजकल टाइम कम मिलता है। तो आज मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, मैं दो तीन जगहों पर जाऊँगी, और आस्था परिधान पर भी चलेंगे है ना, तो देखते हैं किस पे क्या पसंद आता है। और ये भी मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता मार्केट में ये ऐसे। तो मैं और मारी रिच्छा और मारी लुगावड़ी आपा छाड़ी में बैठी, मैं जा रहा हूँ पीसा उडाबन समर। तेरे को कपड़े कितने के लाने, घर के लिए लाने या खुद के लिए लाने कपड़े? खुद के लिए लाने, घर के लिए लाने कपड़े? मेरे को मतलब घर जाऊंगी ना, तो मम्मी पापा पहले एडवांस में बोल देते हैं भाई पहले लेके आ जाना, तो मैं पीआर जाऊंगी, तो मेरा जो दाइजा है ना वो लेके आऊंगी। दाइजा मतलब वहाँ से जब पीआर से आते हैं तो बेटी को, बहन बेटी को नहीं कराते, सूट कराते हैं विदा, हाँ वही दाइजा ही बोलते हैं उसको, तो वो विदा अपनी जो है ना वो अभी सूट अभी से लेके आऊंगी, और कुछ मम्मी के लिए काकी सा के लिए भी सूट लेके आने लहरिए के, उन्होंने बोला था वो सब। तो हम लोग पहुंच गए झोटवाड़ा, और अब ये कह रहे हैं कि ना क्योंकि 6:30 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, तो बोल रहे हैं कि किसी एक शॉप पे लेके जाऊंगा, सब पे नहीं। तो मैं सोच रही हूँ आस्था परिधान के चल लेते हैं अपन, उनकी शॉप झोटवाड़ा में ही है। हालांकि मैं मतलब वैसे ऑनलाइन ही मंगाया मैंने हमेशा उनसे ना, मैं पर्सनली ऐसे शॉप पे नहीं गई, वो पहली बार जाऊंगी। तो पर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही, नजर लग जाएगी मेरे को, थू थू कर दो ऐसे, आप अपने में ऐसे डायलॉग मत मारा करो, खुद के मुंह मिट्टू मियां। अच्छा उनकी जो शॉप है ना, मैंने क्या कोमल से पूछा था एड्रेस, कोमल पहले गई हुई है ना, तो उनकी कुमावत कॉलोनी है झोटवाड़ा में ना, वहीं पर उनकी शॉप है, तो वो मैं आपको पहुंच के उनकी शॉप दिखाऊंगी। पहुंच गए हम शॉप पे, कम होगा नहीं दीदी। तो हम लोग आ गए आस्था परिधान पे, मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई टाइम कम है तो एक ही शॉप पे जा सकते थे, और ये है आस्था परिधान की ओनर, और हम लोग ना ऐसे मतलब बहुत बार इवेंट्स में मिले हुए हैं, और मैंने मतलब शॉपिंग भी बहुत बार आप लोगों को बताया कि मैंने जीजा से ना शॉपिंग भी की है, बट हमेशा ऑनलाइन की है, ऑनलाइन शॉप में मैं, क्योंकि कलेक्शन मैंने हमेशा देखा है, कोमल ने भी बहुत बार बताया कि कलेक्शन का, तो
मैंने ना जीजा के व्हाट्सएप पे देखा था, जीजा ने लगा रखा था सूट, तो मैंने ऑर्डर किया था और जीजा वेयर कर रखा था, वही लगा रखा, जीजा ने वेयर कर रखा था तो बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने भी आज यही वेयर किया है। और ना मेरी मम्मी को बहुत पसंद आया, बोले मेरे लिए भी ऐसा ही लेके आना। तो पहले ना मैं इसके कलर देख लेती हूँ, इसमें कौन कौन से कलर है, तो मम्मी के लिए, काकीसा के लिए। तो जीजा इसमें कौन कौन से कलर है आप मुझे बताइए। एक तो ये है फर्स्ट, जो मैंने पहना है, ये सबको बहुत पसंद आया। पता है मेरे घर में पिंक कलर होता है, सब लेडीज को बहुत अच्छा। में क्या ये लहरिया प्लस शिवोरी है, वैसा बहुत प्यारा पीस है और मार्केट में कहीं नहीं है। जैसे अपने मतलब डिजाइन ये रेडी होके आई और मैंने वेयर करा इसको। हाँ। डाला तो उसे डालते इतने ऑर्डर आए इसके, तो आपको भी पसंद आया ये वाला। हाँ। इधर मुझे इसके साथ में मंगजी दी है, शिवोरी है ना उसके कलर की मंगजी दी है। सेंटून चल रही थी लहरिया प्लस शिवोरी, तो ये क्या दोनों में चल जाता है? जैसे लहरिया सीजन में भी चल जाएगा, वैसे भी चल जाएगा। इसमें तीन कलर है, तो मैं एक ये येलो वाला ले लेती हूँ, क्योंकि ये वाला तो सेम कलर मेरे पास है ही। तो एक ये येलो वाला जीजा अलग कर दो, है ना, मम्मी के लिए ये वाला ले लेती हूँ। ये कर दो वैसे, इसको पैक कर देना। और कुछ मतलब लहरिए में आया वो दिखा दो, क्योंकि तो सावन आने वाला है, रोज आ रहा है स्टॉक मेरे पास रेडी। ओके, मतलब और भी दिखा देना मुझे, कि मैं घर जाती हूँ ना, मम्मी पापा क्या करते हैं कि पहले से ही मंगा लेते हैं। कोमल भाई साहब को तो नहीं है क्या, मतलब शूट पसंद आता है? उसने बहुत बताया मुझे, उसने बोला भी है, पर मुझे टाइम नहीं मिलता था। कल ही कॉल किया था उन्होंने, बोल जीजा मैं आऊंगी, अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। जब बेटा मम्मी के पास चल जा, चीजी देगी मम्मी, चीजी बोले सावन की शॉपिंग करवाना है, बोले बारिश तो हो रही है, पैर कट जाओ थे बारिश में, बारिश में ज्यादा परेशान हो जाओ है, बारिश भी चीज है। एक डिजाइन देखो ऐसा, ये वाली ये मैंने देखा भी था, आपने डाल रखा था ना, किसी ने पहन इसे, इसके ऊपर रानी ओढ़ने तनु वैसा वेयर, हां तनु वैसा वेयर करा ये वाला। आपके पेज पे देखा था मैंने, आपने डाल रखा है ये, जैसे रानी ओढ़ने के साथ ग्रीन के साथ, ग्रीन ओढ़ना नॉर्मली सब वेयर करते नहीं है, इसलिए इस पे रानी दिया है। तो जिनको मतलब ग्रीन ओढ़ना लेना हो, तो ग्रीन ओढ़ने के दोनों ऑप्शन है अपने पास में। तो ये वाला सेम फैब्रिक है और इसके ऊपर ग्रीन ओढ़ना, ये भी बहुत प्यारा लगता है। हाँ, ये भी अच्छा लगता है। और ये नहीं लगता है, और ये तो है ही सदाबहार, आप ये तो सदाबहार है। जैसे इसकी क्वालिटी भी बेस्ट है फैब्रिक की, और हैंडल प्योर में बहुत अच्छा लगता है, ओढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे शरबती ओढ़ने नहीं, ये वाला मैंने पहना ना, और आपसे पहले भी कराया है, स्टिचिंग हमारी नंबर 1 है। हां नहीं, बहुत सुंदर कराया था वो भी। एक कलर ये वाला है, इसमें ईरानी वाला, ये मैंने वेयर करा था, पेज पे डाला हुआ है इसके साथ, ये वाला ओढ़ना। इंस्टाग्राम पे पेज भी है आस्था परिधान से, और यूट्यूब चैनल भी है, और मैं सारी चीजें ना आपको शॉप वगैरह पूछोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में ना आपको सारी डिटेल्स दे दूंगी, शॉप का एड्रेस और इंस्टाग्राम पेज का लिंक वगैरह सब कुछ दे दूंगी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी अगर जैसे आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना हो तो फोन नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, तो आप वहां से भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको ये डिजाइन पसंद आ रहा है ना, तो आप कॉल मैसेज के थ्रू बुक करा सकते हो। इसके ऊपर ये वाला ओढ़ना आएगा ऑरेंज, तीन कलर है, मतलब तीनों ही अच्छे हैं। और ग्रीन वाले में दो ऑप्शन है, जैसे रानी के साथ में और ग्रीन के साथ। ये वाला सीरियसली बहुत प्यारा डिजाइन है, बहुत ही प्यारा है, मतलब ओढ़ने सबसे सुंदर है। ये नहीं आज इसके ओढ़ने डाई होके आया मेरे पास, पता है मैं सोच रही ग्रीन वाला लूं, क्योंकि मेरे पास है ना, मतलब आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे फॉलोअर्स है, मेरे पास लहरिया है प्योर में सूट है, तो उसका ना इस तरीके से ग्रीन कलर का है। अच्छा, तो बहुत सुंदर लगेगा ग्रीन प्योर की पे ये वाला ना, उसका फैब्रिक भी बहुत प्यारा है। और जो वेयर कर रखा है ना, ये शिवोरी प्लस लहरिए के साथ में, सिंगल लहरिए के साथ में, इसकी थोड़ी रेंज कम रहेगी। और ये वाला ओढ़ना है और इससे मंगजी भी, इसके अंदर दो कलर है, रेड और रानी, और भी ज्यादा रेड रानी कलर ही चलता है। ये तो जैसे कॉमन है, रेड बहुत सुंदर लगता है, रेड कलर है ये ओढ़ना है इसका, वो रेड कलर की सेम मंगजी है इसके साथ में। ये लग रेड वाला, ये फिर से सारी दुकान खरीद के ले जाएगी। लोगों का हमेशा ये रहता है कि दीजिए हमें ऐसी शॉप बताओ जहाँ से हम ले सके। तो आप मतलब शादी सीजन है, वेडिंग है, या वैसे ही आपके घर में फंक्शन है ना, तो आपको हर तरह का कलेक्शन मिल जाएगा। प्योर का भी रखते हैं दीजिए, तो मेरे को प्योर का भी एक दो सूट देखने, तो वो भी देखूंगी अभी, पहले मैं कॉटन का कर लेती हूँ। ग्रीन कलर,
कि बहुत प्यारा है ठाकुर जी प्योर ओढ़ना इसके साथ में। ये देखो मसलिन सिल्क फैब्रिक है, प्योर सिल्क होता है ना, सेम वैसा ही है। और इसमें अस्तर की रीढ़ नहीं है, बिना अस्तर लाइनिंग की भी नहीं है, अस्तर की भी नहीं है। बाकी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं। ये वाला ये मैंने वेयर करा है। मुझे पता नहीं क्यों आजकल ना ग्रीन ही अच्छा लगता है, ग्रीन यहाँ भी जा रही हूँ ना, मुझे सी ग्रीन और ग्रीन है। हर बार मेरा होता है या तो मैं सब पिंक पिंक खरीद ले जाऊंगी, या रेड रेड या पीच पीच, ऐसे होता है। और इस बार मुझे ग्रीन ग्रीन तो कलर, लेकिन वही है कि सेम जैसे अभी ग्रीन में पसंद आ रहा है आपको। सावन गंदा होता है ना, उसको हरा हरा देता है सावन नहीं। पर ये मुझे तो यही अच्छा लग रहा है। नहीं तो सही में हरी, हम ये ग्रीन है पर देखो ये भी अच्छा, सबकी अपनी चॉइस है। ये कलर सदाबहार है, बहुत अच्छा लगता है। इसका ओढ़ना देखो भाई साहब, हाँ इसीलिए यूनिक है और बहुत प्यारा लगेगा जब पहनेंगे। एक डिजाइन जो वैसा चिकन सूट में डिफरेंट पैटर्न है, ये हैंड डाई में जैसे बाटिक बने उसके अंदर वो चिकन फैब्रिक रहेगा इसका, कंट्रास्ट में जैसे बाटिक है इसके कलर की मंजी रहेगी इसकी। और ये इसके कुर्ती का सूट होती ओढ़ने में वर्क है इसके अंदर, इसका कलर ये वाला आएगा इसके अंदर जैसे पीच कलर की बाटिक का पीच ही मंजी आएगी, ऑरेंज कलर ऑरेंज और येल्लो तीन कलर। बाकी जैसे रेड की ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा सेल ही रेड होता होगा। हाँ रेड सबसे ज्यादा पसंद करता है, मुझे भी रेड ही अच्छा लगा। रेड ही अच्छा लगा, ये भी अच्छे हैं। पर जैसे एक होता है ना अलग यूनिक जो ओढ़ना बहुत प्यारा है इसका, ओढ़ने में देखो बहुत ये वाला सूट क्या वहाँ रखा हुआ था, मैंने कहा जीजा ही दिखाओ, जीजा बोले भाई साहब इसका स्टॉक है ना ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गया। मैंने कहा नहीं मुझे तो ही दिखाओ, अब मतलब ऐसा नहीं पूरा स्टॉक नहीं खत्म हुआ, बचे हुए कुछ पीसेस, कुछ पीस तो मुझे तो बहुत बाकी पीस के लिए मैं अपने पास और रेडी हो रहा है स्टॉक अभी ले लिया। ये सबसे मतलब ज्यादा पीस का ही कलर है, हां सिंगल कलर है ये मेरा, ये एक अलग कर दो बहुत सुंदर है ये। ये क्या वहाँ रखा हुआ था, मैंने कहा जीजा वो क्यों नहीं दिखा रहे, बोले भाई साहब इसका स्टॉक है ना कम है तो, पर आपको चाहिए था आपको दे दूंगी बुक है ये वाले जो रखे हुए। मैंने कहा ठीक है दोनों आता तो दुकान बारह मिलती, दुकान बारह मिलती कोई बात नहीं बेटा। फिर अभी सब्जी वगैरह भी लेनी है छोटा में ना, देखा भी था ना सेंटर, अच्छा वो सेंटर सेंटर में था और ये कॉटन में हैंडाई में रहेगा। अच्छा जैसे किसी कॉटन में चाहिए तो वो भी अच्छे हैं। हाँ। तो सेंटून भी अच्छा रहता है, उसमें प्योर भी ओढ़ सकते हो आप दोनों का। आपको पहनना है बेटा बाद में, तो बेटा पहनना ही है, पहनना ही है तभी देख रही है अभी। हाँ। ये मंजी इसके साथ में जो लहरी की लाइनिंग है ना उसके अकॉर्डिंग मंजी दी है। अच्छा इस पे ये वाली मंजी हो गई और ये बहुत सुंदर शरबती ओढ़ना है ये, मतलब मेन तो क्या कलर कॉम्बिनेशन की वजह से अच्छा लग रहा है इस पे कि कलर देखो एक तो ये वाला आएगा जैसे ग्रीन कलर की इसके अंदर लेरी लाइनिंग है ये तो ना और ग्रीन बन जाएगी इसकी सेम पैटर्न ऐसा है कलर है ये इसका। और एक ये आएगा जो ऑरेंज के साथ में जैसे ऑरेंज बन जी ऑरेंज लाइनिंग है, येलो आएगा जिसके साथ मतलब ये रानी कलर की लाइनिंग है सेम बन जी रहेगी इसकी। एक आएगा पर्पल के साथ में तो ये वाला भी बहुत अच्छा है, जैसे ये तो कॉटन में और ऐसा ही मैंने सेंटून में अलग करवाया, जैसे आप लोगों को जैसे किसी को कॉटन पसंद हो तो कॉटन करवा सकते हो, बट मैंने इसमें रिटी हट जा पर मैंने अच्छा इसमें रेड ले लिया है इसलिए मैं ये वाला नहीं ले रही, अदरवाइज रेड नहीं होता ना तो मैं जरूर ये ऑरेंज वाला लेती। उसमें और मंजी है इसमें कंट्रास्ट में बहुत सुंदर है, एक अलग पैटर्न है सेंटून में, जैसे प्लेन सेंटून फैब्रिक आएगा इसका ऐसे पूरा प्लेन। हां और इसके साथ ओढ़ना दिया हमने और लहरी की मंजी दी इसमें ग्रीन कलर, ये पैटर्न अलग भी सुंदर भी लगेगा ना ऐसे पूरा चार मीटर ऐसे। हाँ चार इसको अगर अपन वैसे भी स्टिच करवाएं जोधपुर स्टाइल में सिलवाते हैं वैसे ना बहुत सुंदर लगेगा, पाइपिंग में पाइपिंग वो वाला इसमें बहुत अच्छा लुक आएगा उस तरीके से अगर इसमें लहंगे में जैसे पाइपिंग ग्रीन कलर भी लगती है ना। हां 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 समझ गए, अच्छा लुक आएगा बहुत सुंदर लगेगा। इसका कलर इसमें सिंगल, अच्छा हां सिंगल का ये वाला। हाँ अच्छा अभी रेडी हो रहे हैं। हाँ ओढ़ने रेडी हो रहे हैं, ओढ़ने रेडी होके आ जाएंगे तब मुझे बुक करा दो आपको जैसे भी समझ में आता है। ये जैसे मोट में रहेगा फैब्रिक है, ओढ़ना बहुत सुंदर है इसका, ओढ़ने से लुक आता है, बिना ओढ़ने के तो अपने ड्रेस को कुछ लगती नहीं है। जैसे एक कलर ये वाला इसके अंदर और एक ये वाला, इनके ओढ़ने भी रेडी हो रहे हैं। हाँ ये मोटेड में है डिजाइन,
अच्छा तो ओढ़ना इसका लहरिया में रहेगा? हाँ लहरिया में रहेगा, मोटा प्लस लहरिया। ठीक, ग्रीन तो मैंने ले लिया, मुझे तो ये वाला ओपन करो, ये वाला भी अच्छा। अच्छा ये तब ग्रीन क्या, एक्चुअली ग्रीन बहुत सुंदर हाँ। है ग्रीन मुझे अच्छा लग रहा है, बट ग्रीन मैंने ऑलरेडी अलग करवा दिया, तो इसमें ये वाला करा दे दीजिए मेरा। और ओढ़ने की ना आप मुझे फोटो भेज देना। हाँ भेज देना, एक डिजाइन वैसा ये वाली आएगी, डिफरेंट है ना, तो मार्केट में कहीं नहीं ये वाली भी। ओढ़ने डाई हो रहे हैं इसके, ओढ़ने बहुत सुंदर है इसके, देखो एक कलर की जैसे ये वाला इसका, और एक ये वाला, ये सबसे प्यारा कलर है, ओढ़ने बहुत ही प्यारे हैं इसके, ओढ़ने से ही भाई तीन कलर, एक रेड कलर। अच्छा ओढ़ना भी रेडी हो रहा है इसका? हाँ ओढ़ना रेडी हो रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ अगर समझ में आ रहा है आपको। अभी तो ग्रीन अलग कर दो आप, इस वाले में ग्रीन। हाँ हाँ अच्छा फोटो होगी ना, फोटो दिखा दो मेरे को, फोटो है अच्छा लग रहा है, ग्रीन कर दो है ना, ग्रीन वाला। मैं कह रही हूँ ना मुझे सावन की वही डायलॉग आएगा, सावन के अंधे को हरा ही रहता है, मुझे ग्रीन ही अच्छे लग रहे हैं। ये अच्छा करना वैसा का। हाँ अब ना वैसे ही कोई सिंपल में दिखा दो, सिंपल मतलब बिना मरगा ना, नॉर्मल जैसे डेली यूज में भी अच्छे लगे। पड़ी थी ना मैंने जीजा से निकलवाया अभी, क्या मैंने ना जीजा के पेज पे भी देखा था, देखो कलेक्शन इतना है ही ना, मैं एक साथ मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं आपको वही दिखा रही हूँ, बाकी आपको और पूरा कलेक्शन देखना है जीजा का इंस्टाग्राम पेज है आस्था परिधान के नाम से, वहाँ देख सकते हो, यूट्यूब चैनल है वहाँ से भी मिल जाएगा, डेली अपडेट होता है नया कलेक्शन नई डिजाइन। तो मेरे को जो ये अच्छा लग रहा है ना मैं वो निकलवा रही हूँ, ये वाला मुझे बहुत सुंदर लग रहा है इसकी, क्या मैंने वीडियो फोटोज भी देखी बहुत सुंदर। हाँ, आपने पहना था ना? हाँ, मैंने पहना। हाँ, तो ये वाला अलग कर दो, ये जैसे मम्मी काफी सारे को बहुत अच्छे लगे। कलर ऑप्शन देखना चाहो तो ये देखो फिरोजी कलर, दीदी कौन सा अच्छा है, ये वाला लाइट कलर मुझे ज्यादा लाइट कलर अच्छा लगता है, ये वाला भी अच्छा है मुझे, चार कलर है, ये वाला अलग कर लेती हूँ मम्मी के, अच्छा लगेगा मम्मी को ना लाइट लाइट ये वाला। हाँ तो मैंने कर ली शॉपिंग और आज फटाफट हो गया, मतलब आधा घंटा ही होगा शायद, है ना, जब मैंने जो जो करे ना वो जब दिल हुआ है ना शॉपिंग करवाने जाना आधा घंटा में हो जाएगा। तो मैंने ये वाले सूट कितने हो गए, 6-7-8 हो गए शायद, है ना। हाँ तो मैंने ये 8 सूट पसंद किए, जिसमें से 5 मैं रख लूंगी और 3 मैं मम्मी को दिखा, पहले मैं अपने अलग कर लेती। तो मैंने ये सारे सूट लिए हैं, बहुत सुंदर कलेक्शन था, अभी भी मेरा मन कर रहा है और देख लूँ, और प्योर वाला बहुत सुंदर है आप बोलो तो, वो प्योर वाला बहुत सुंदर है, बट अभी मैं कंट्रोल कर रही हूँ, बाद में जैसे कभी इवेंट वगैरह में कुछ होगा ना तो फिर मैं आपको फोन कर दूंगी ना, तो आपको कल वो करा देना मेरा। तो ये सारे मैंने अपने लिए किया, अच्छा इनको थोड़ा सा पैक कर दो, हो गई ओ पानी में बिशुम हो गई, मगर नीतू तो आज शॉपिंग में लाग रही है, और मैं माँ की दीदी दोनों बैठे बैठे मैंने कहा कहीं करा दीदी कहीं करा, अरे बेबी बेबी साइकिल चला रहा, बेबी साइकिल चला रहा, दीदी भी चलाएगी साइकिल, अच्छा बड़ी साइकिल। क्या पानी दिखाओ, पानी दिखाऊं, देख तेरी मम्मी है ना वहाँ पे ड्रेसे देख रही है, अपन पानी देखेंगे ठीक है, पानी में रिद्धि डुबकी मारेगा क्या, डुबकी इधर रहती है क्यों, इधर रहती है इसमें, डरती है नहीं, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बहुत अच्छा लगा आपका कलेक्शन, बहुत अच्छा है, दोबारा मैं जरूर आऊंगी, मैंने सारे मेरे सूट ले लिए पहले से, मतलब पियर नहीं गए उससे पहले विदा ले लिया क्या, जो हमारे पुराने रेगुलर सब्सक्राइबर को हमेशा से पता है कि मैं पहले से लेके जाती हूँ सूट, ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगी भी मैंने कौन कौन से लिए, मम्मी को भी दिखाऊंगी घर जाके, ठीक है तो चलते फिर मिलते दीजा, ठीक है बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शॉप पे हम हमेशा ना इवेंट्स में मिले, लास्ट टाइम फाग इवेंट में मिले थे, हाँ फाग इवेंट है ना, उसके बाद अब मैं पहली बार शॉप पे आई थी, बहुत अच्छा कलेक्शन है और सब कुछ आता जाता है, आप फर्स्ट बार आए, हाँ मैं पहली बार आई हूँ, तो मैंने आपको लोगों को बता दिया कि आपको ना जीजा की सारी लोकेशन और आस्था परिधान का सारा जो एड्रेस है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट्स में पूछते हो तो एक एक को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना सारी डिटेल्स, फोन नंबर सब कुछ मिल जाएगा, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बाकी इंस्टाग्राम पे पेज है आस्था परिधान से, तो आप वहां से भी ले सकते हो ऑनलाइन, चले ठीक है, चलो रिद्धि चले, जो हमारा फोन लेके जाएगी लेके जाएगी मैडम, चले मम्मा और पापा को मैं जा रही हूँ, ठीक है रिद्धि, ठीक है अच्छा हमारे पास जो मम्मा का ड्रेस भी सेम है और मेरी भी है ना, तो हमारे पास जो
तो हम आ गए घर पे और अभी मैं मम्मी को दिखा रही हूँ जो जो मैं सूट लेके आई हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो में कि हम बच्चों के कान बिंदवाने सोने के पहनाने के लिए गए थे ना लास्ट वीडियो में, तब मैं चूड़े भी लेके आई थी, पर मैं आप लोगों को, मेरे से शायद वीडियो डिलीट हो गई चूड़े वाली शॉप की, तो मैं चूड़े भी दिखाऊंगी जो मैं लहरिए के लेके आई थी खुद के लिए। पहले मैं मम्मी को सूट दिखा देती हूँ। देखो मम्मी, मैं ये सूट लेके आई हूँ। मम्मी बैठा कोई तो मम्मी आर दिखाओ जाके मैं लेर का ही आई चू पीड़ हूँ। अच्छा जो पीड़ जा पाऊ पहली दिखा दे जे। देखो एक ये कैसा, ये इसकी ओढ़नी है, ये इसकी मगजी है लाल रंग की, ऐसे ठीक है। एक लहरिए का ये है और एक ये है, देखो ये रहा, सुंदर है ना, कितना सुंदर है, अच्छा नहीं हरा रंग। एक ये हो गया और एक ये है देखो लाल लाल लहरिया, ये कॉटन का है, ये पूरा लाल रंग का है और ये इसकी ओढ़नी है, इस पे ये लाल मगजी है, लाल मगजी हाँ, ये इस पे लूंगी लाल रंग की। एक ये सूट लेके आई, देखो ये ऐसे है, ये कली का सूट है अलग अलग है ना। एक ये है, इस पे लुगड़ी को तैयार कर रहे हैं, वो भिजवा देंगे है ना। एक ये है चिकन का भी नया चल रहा है इसका, चिकन का ये देखो, ये इसकी कुर्ती काचली है ना, और इसमें मगजी ये लगेगी, ये वाली नीले रंग की मगजी, और ये इसकी लुगड़ी है ना ये है। और एक ये है, इस पे भी लुगड़ी उन्होंने फोटो दिखा दी थी, तो लहरिए की लुगड़ी बहुत सुंदर, तो वो तैयार हो जाएगी ना, गोटा लगवा के भिजवा देंगे, मैं पैसे दे है ना। तो ये सारे सूट है और ये मम्मी आपके लिए लेके आई ये वाला सूट। दिखा रही हूँ ना, आप सही ले रही हूँ, तो दिखा तो दे, कपड़ों का कलर बढ़िया है ना, हल्का रंग है, उसमें आएगा भी आपको, देखो ऐसे है ना, मेरे को अच्छा लगा तो मैं आपके लिए नहीं नहीं चाहिए ये तो हो गए वो सूट। और ये मैं लेके आई थी लहरिए के कड़े, थोड़ा पास से दिखा दो आप भी, देखो ये सारे लाख के। अरे और ले आओ जाके जाओ, देखो आप सारी मूड फोड़ रहे। देखो एक तो ये लाई थी मम्मी गुलाबी रंग का लाख का है ना, एक ये ऐसा है ब्लू और ये ठीक है है ना, एक ये रे मतलब अलग अलग ड्रेसों पे लेके आई थी, फिर घर जाऊंगी ना तो मम्मी खुद ताई भी मंगाई थी, तो इसमें से मम्मी ले लेंगी एक है ना। देखो ये वाले हैं, देखो दिख रहे, एक ये है और एक ये, और मम्मी के हाथ में रहे ये ठीक है, और दिखा ये ऐसे है ये हाँ देखो ये वाली ये है लहरिया। ये मेरे को पता था मैं लाल लेके ही आऊंगी, क्योंकि मेरे पास लाल नहीं था ना, तो मैंने इसलिए पहले ये चूड़ा ले लिया था ये वाला, और एक मैं ये वाला चूड़ा लेके आई थी, देखो ये हरा मैंने पहन रखा, क्या बोलते मम्मी इसको, राजा सही नहीं ऐसे ही राजा सही तो की हाँ। देखो एक ये वाला, ये हरा चूड़ा है ये वाला, मैंने जो हाथ में पहन रखा है, ये सारे लाख के हैं, ये मैं लेके आई थी है ना, क्योंकि घर जाऊंगी ना तो पहले लेके आई सब ड्रेसों के साथ की, इसमें से एक दो वहाँ पर काकी सब मम्मी को पसंद आएंगे वो ले लेंगे है ना, तो ये मैं सूट लेके आई थी, बाकी मैं वहाँ से और सूट ले लूँगी, वहाँ की जो दुकान है वहाँ पर कुछ पसंद आएगा ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं लेके आई थी। बढ़िया मम्मी, सो दैट्स फॉर टुडेज व्लॉग, मम्मी को दिखा दिया सारा, अभी सबको वापस रख देती हूँ और मैं जा रही हूँ सैटरडे को घर। ये जब व्लॉग आएगा ना तो शायद तब तक जा चुकी होगी, इससे पहले एक और व्लॉग आएगा है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोगों को कलेक्शन कैसा लगा जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कम ऑन लिसा, बाय बाय, मम्मी बाय कर दो, जय सियाराम, जय सियाराम, बाय करो दूदू, जय सियाराम, बाय 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 है ना, संतरा ले रहा है, मौसम भी ले रहा है, आका जूस बना होला, ए जो बोला बना मिली और फेंक फेंक ना के आधी तो पोली कर दिया ने, वो देखो भोग गई, अरे बेटा बोल थोड़ी है ये, कोई बात है, देख देख और बच गया, अभी तो खोपड़ा फूट था तेरा, फूट जाती है खोपड़ा, हाँ हाँ गंदा फूट गई।